चलो खड़ी हो जाइए, इस मट्टी के सामने खेलना। सुबह आ जाओ। ना ना आज बेटी मुंह दी जो ना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद सुबहान के शर्माने का अंदाज चेक कर ले, इतनी लंबी जुबान जो है वो निकाली है फिर ऐसे कर रहा है। तो आज का व्लॉग हम फिर से दरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हम लोग नहीं आए थे, तो पिछली दफ़ा जब आए थे तो पानी बहुत कम था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा ज़्यादा पानी जो है वो हो चुका है। और आज हमारे उधर घर वाली साइड पे लगा हुआ है ट्रैक्टर, तो आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने कहा क्यों ना हम अपनी वीडियो जो है ना कहीं और से स्टार्ट करें, बेहतर होगा। क्योंकि शुरू से ही जो है शोर होता है तो वो फिर हमारी फैमिली को पसंद नहीं आता। क्योंकि कल भी हमने शहर में जो वीडियो बनाई तो उसके जो है शोर था काफ़ी ज़्यादा, तो सभी कह रहे थे कि शोर हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप शोर ना ही दिखाया करें। इसलिए मैंने कहा आज भी अगर शोर हुआ ना तो सब ने इस चीज़ को पसंद नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और इस टाइम जी परिंदे जो है ना वो जा रहे हैं इस साइड पे, और उस साइड पे इतना बड़ा झुंड भैंसों का आ रहा है। झुंड इसको नहीं बोलते, इसको पता नहीं क्या और कुछ बोलते हैं जो है। अभी ये जानवरों को चरा के लेकर आ रहे हैं भाई, और इसी गंदे पानी में जो है ना इनको गुजार के लेकर आए हैं। बाकी भैंसें जो हैं वो आ रही हैं, मेरे ख्याल में उनका रास्ता भी यही है यहाँ से गुजरने का, शायद इन्होंने उस साइड पर जाना है या इस साइड पर। तो माशाल्लाह इस साइड पे जो है मौसम फ़िलहाल जो बहुत ही प्यारा है। आज सुबह सुबह तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई लेकिन फिर रुक गई थी, अभी फजर जो है वो गिरी थी। और मोहम्मद सुबहान यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं तो माशाल्लाह आस्ता आस्ता मौसम बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। और ये है जी इस साइड पर काना, काने जिसके हम लोग घर भी बनाते हैं, दीवारें भी बनाते हैं। तो अब ये काना तकरीबन जो है ना पकने के करीब आ चुका है, तो माशाल्लाह जो है अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया और ये प्यारा भी बहुत लगता है। कुछ जगहों पे ज़्यादातर जो है वो होते हैं क्या उसको बोलते हैं बांस होते हैं, और हमारे यहाँ पर जो है दरिया वाली साइड पे ज़्यादातर काने के खेत हैं। मोहम्मद सुबहान और फजर जो है वो ऊपर चढ़ गए, अभी मैं भी कोशिश करती हूँ, वो बंदा गया। चलो चलो कोशिश करो। माशाल्लाह जी अचानक से बादल भी आ गए हैं और बगले भी जा रहे हैं। आज फजर, फजर एक दफ़ा ऊपर चढ़ गई थी फिर से वापस आ गई ऊपर। ऐसे कपड़े नहीं गंदे करने, आप लोग कपड़े ख़राब कर लेते हो। अब जानबूझ के कर रही मुझे पता है। चल इधर आओ, मैं ऊपर खड़ा। चलो ऊपर चढ़ो, अभी तो और भी बड़ी बड़ी चट्टानों पे चढ़ना है। इधर चलें जी। माशाल्लाह बादल आ गए हैं अचानक से, जब हम लोग आए हैं धूप थी उस टाइम, और अभी उस साइड पर जो है भैंसें जा रही हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में उस साइड पर जाना है। तो हम लोगों ने जल्दी से जगह छोड़ी है, मैंने कहा शायद यहाँ से गुजर कर इस साइड पे जा रही, लेकिन ये उस पार की हैं। अचानक ठंडी हवा चलना शुरू होगी और बादल जो है वो धड़ाधड़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो माशाल्लाह काने जो है ना वो ऐसे लहराने लग गए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस साइड पर भी हैं, इस साइड पर भी, और इधर भी सारी चीज़ें जो है ना बड़े प्यारे लग रही हैं। आज इधर आओ, इधर मोहम्मद सुबहान जो है ना उसको उठा लेते हैं, यहाँ पे बिठा लेते हैं। और इस साइड पे माशाल्लाह सूरत चेक करें जी, ये इसमें से उधर वाली सारी जो हैं ये हो गई हैं, छंगाई हो गई है इनकी किकरों की ना, ये वाले रह गए हैं दो तीन जो है ना, ये वाले रहते हैं। वो ये करना थोड़ा मुश्किल था, जब गन्ने का खेत ख़त्म होगा तो तभी होगा, या तो फिर ये वाली कटाई इसकी हो और फिर होंगे, वरना जब गन्ने का खेत की कटाई होगी ना तभी होगा। फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पीती हूँ। आप ठंडा पानी पीती हो? आप तो पीता हो। आप तितली नहीं हो? आज बेटी आज आज फजर गई है आग का वो पत्ता तोड़ने के लिए। तो जब मोहम्मद सुबहान छोटा था ना तो उस टाइम भी मैं इसको ऐसे उठाती थी, क्योंकि ये काफी वजनी आता था और सभी बहन भाई बोलते थे आप इसको ऐसे ना उठाया करें ये गिर जाएगा, लेकिन वैसे इसको उठाना ज़्यादा मुश्किल होता था। और अभी भी मुझे वही वाली याद आ रही कि मोहम्मद सुबहान जब छोटा था तो इतना मोटा होता था, हेल्दी होता था। अभी ये बेचारा ना थोड़ा सूखा पड़ गया।
नहीं कर। माशाल्लाह जी, अभी यहाँ से सूरज जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज फिर अभी जी हम लोग आ चुके हैं इस साइड पे। फिलहाल जो है सभी कह रहे थे कि आपके घर की बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मट्टी जो उधर वाले खेत की थी ना, वो उठवा के यहाँ पे लगवा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है पानी ना आए। थोड़ा सा भी पानी जब आता था ना तो इस साइड से उधर चला जाता है। इस ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी गहरी है, तो अभी हम यहाँ पे बंद बना रहे हैं एक ना मट्टी का, ताकि पानी उस साइड पे ना जाए। और दूसरे नंबर पर काफ़ी बहन भाई बोल रहे थे कि आप जो है अपने कमरे की साइडों पे मट्टी लगवाएं, तो वो कमरे की साइडों पे भी हम लोग अभी जो है मट्टी लगवा रहे हैं ताकि पानी आए या बारिश वगैरह जो भी हो तो उसमें ना हमें कोई मसला ना बने। फ़िलहाल जी यहाँ पे भेड़ें जो हैं वो चर रही हैं, फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना वो भी उधर ही चले गए हैं, तो हम लोग भी जो है अभी चलते हैं घर। तो वहाँ पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है शोर है, ट्रैक्टर जो है चल रहा है, इसलिए साथ साथ में आज मैं फिर से जो है बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। अक्सर जब ऐसे रश होता है ना तो उस टाइम मुझसे बोला नहीं जाता, तो फिर मैं जो है पे काम रखती हूँ। बातें नहीं माइंड में आ रही होती हैं क्योंकि इधर उधर वो पब्लिक होती है, इसलिए तो बाकी पब्लिक सबसे बड़ी पब्लिक जो है वो फिर रही है यहाँ पे, वो भेड़ें ज़्यादा जो हैं सबसे ज़्यादा। मोहम्मद सुबान और फजर जो है ना वो उनके साथ खेलने लग गए। आज 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 अभी जो जैकी जो है ना ये हमें ढूंढ रही थी कि हम लोग कहाँ चले गए, इस साइड पे गए हैं, ये अभी भाग के उस साइड से ना इधर आई है। आज जैकी अभी हम लोग जी चलते हैं घर। और बकरियाँ चरानी है, चराओ बकरियाँ जितने दिल करता है। मोहम्मद सुबान कह रहे हैं कि मामा मैंने भी बकरियाँ चरानी है, तो चराओ, ये ना चर रही हैं वो खुद ही बकरियाँ। मैं नमाज पढ़नी होती, कपड़े गंदे कर दी। चल आज तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जी अपनी सरसों के खेत में। तो माशाल्लाह सरसों जो है वो हो रही है, लेकिन इसको स्प्रे वगैरह नहीं करना होता, ये इसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं। चलें जी अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं घर के पास। तो यहाँ पे मट्टी देखें जी साइडों पे अभी डलवा रहे हैं हम लोग। और जो तारिक साहब आप इधर भी डलवा रहे हैं, चाहे शेड आप इधर गर्मियों में बना लें ना। हाँ जी यहाँ पे फिर इसको साथ लगा देंगे क्योंकि ये तो ज़्यादा ज़मीन ख़राब होगी ना, ऊंची कर देंगे ना, ऊपर तक कर देंगे मट्टी। तो यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल ट्रैक्टर जो है वो लगा हुआ है इस साइड पे, मट्टी कमरे के साथ हम लोग लगा रहे हैं ताकि पानी जो है वो इस साइड पे ना हो, बाकी बारिश वगैरह से भी कोई मसला इसको ना बने। फजर की गुड़िया देखें, अभी बनाते हैं जी चाय मेहमानों के लिए, जो ट्रैक्टर वाले मेहमान ही हैं समझ लिया हमारे। फजर की गुड़िया ख़राब हो गई, आए हाय हाय हाय, उठा रहे भाई। उसका सर भी नहीं है बेचारी का। इसका सर जो है वो इन्होंने फेंक दिया। चलो आज 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 चाय बना देगी, पर ट्रैक्टर का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा घर में, इसलिए तो हम लोग भाग गए थे घर से बाहर, के पे शोर होता है और अच्छा नहीं लगता। ही हम लोग निकाल रहे हैं दूध भैंस का, और नहीं करो फजर बेटी, बांधा हुआ है उसको, बांध दिया पूंछ को, क्योंकि वो फिर मारती है, दूध ख़राब हो जाता है। तो फ्रेश दूध की चाय जो है वो बना के देते हैं भाइयों को, दूध पीने दूध पीने। फजर को भी मैंने जल्दी जल्दी ये सिखाना है दूध निकालना, और मोहम्मद सुबान को भी, ठीक है, पढ़ना भी है और साथ साथ में ये काम भी करना है, दूध निकालना आना चाहिए। तारिक साहब को नहीं आता, नहीं कर धार दे, फिर छांड खोलो। तो आज हमने भैंस का दूध जो है वो थोड़ा सा जल्दी निकाला, इसलिए उसने दूध दिया भी कम है। नहीं करो मोहम्मद सुबान, भैंस भाग जाएगी, दूध गिर जाएगा नीचे, बच्चे भी तंग करते हैं। माशाल्लाह भैंस हमारी जो है वो काफ़ी असील है। जी उठाओ।
आज फजर आज। तो अभी जी हमने भैंस का दूध निकाल लिया, बस देना उनको है। चाह बना है तो सबसे पहले जी दूध हमने जो है वो निकाल लिया, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगी आप सबको अपनी शॉपिंग, क्योंकि कल भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो है वो शॉपिंग दिखाई नहीं, ये वाला सूट ले लेती, ये वाला ले लेती। अभी मैं सबको दिखाऊंगी तो फिर सबको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सा सूट लिया। और फिलहाल हमने सिर्फ कपड़ों की ही शॉपिंग की है, जो उम्रा की स्पेशल शॉपिंग होगी वो इंशाल्लाह थोड़ा ठहर के करेंगे। अच्छा 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 ये लो सर पे रखना लड़ाई। हाँ जी बंदे ने कहा मैंने सर पे रख के लाना है, अब गिर ही नहीं जाना। आ बच्चे जो है ना ये बस अपनी मर्जी करते हैं। जो फजर भाई से उठवा के लेकर आओ कपड़े। तो अभी जो यहाँ पे आ गई है हमारी शॉपिंग, तो कल हमने शॉपिंग में अपने जो है ज़्यादातर कपड़े ही खरीदे हैं, जूते वगैरह और इस तरह की जितनी भी एक्स्ट्रा शॉपिंग है वो हमने नहीं की, क्योंकि कल हमारे पास टाइम ही इतना कम बच गया था कि हम बस यही शॉपिंग हमसे ही हुई है। हाँ जी क्योंकि यहाँ से हम लोग 10 बजे निकले थे, फिर 11 बजे फजर के स्कूल, वहाँ पे सारा इसका जो था वो करके उसके बाद फिर हम लोग आगे गए। 2:30 बजे हमें वहाँ पर बज गए थे जब हमने फिर समोसे खाए। चले उस वीडियो का रिपीट नहीं करते हैं, बाकी बच्चे जो है ना उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी हम दिखाएंगे फजर की शॉपिंग, तो वो बस थोड़े से उनके आपस में घिट मिट हो गई थी, तो बच्चों की अक्सर हो जाती है, इसलिए फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप यहाँ पे बैठो। तो इस दफ़ा हमने फजर की शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा की है और मोहम्मद सुबान की किया जी कम, क्योंकि फजर साथ गई थी, ये जो भी सूट कहती थी कि बस ये मैंने लेना है, इसलिए फिर हमने इसके लिए लिए। तो मैंने फजर के लिए ये 5 सूट लिए हैं जिनके कॉटन में है, अच्छे वाली नरम कॉटन है, इसको हम गर्मी में भी पहन सकते हैं, वो वाली हमने कॉटन लिए। तो अभी काफ़ी सारे हमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कपड़े जो है वो ज़्यादातर गर्मी के ही लेकर जाएं क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है। तो हम तारिक साहब के बस खद्दर के ले रहे थे और मैंने भी अपने करंडी और खद्दर के देखे थे, लेकिन लिए नहीं है, लिए हमने इसी मौसम के हिसाब से, ठंडे मीठे मौसम के हिसाब से लिए। हाँ जी ये आप ये पहले दिखा लें फिर वो दिखाते हैं। एक सूट जी हमने फजर का लिया है ये वाला, ये 2 पीस है, ऐसे ही है यानी कि शलवार कमीज सेम है। तो दूसरा सूट जो है वो फजर खान का ये वाला है, ये इसकी कमीज़ है और साथ में ये इसका जी है छोटे छोटे डब्बियों वाला ट्राउज़र। इस दफ़ा फजर के मैंने जितने भी कपड़े लिए ना वो थोड़ा तेज़ कलर में लिए हैं। और एक ये वाला है, ये तारिक साहब ने पसंद किया है और वो कमीज़ है और ये साथ में इसकी जो है वो शलवार ट्राउज़र है। ये पसंद है फजर को, रत्ते पीले रंग बड़े पसंद है। तो ये जी है ट्राउज़र और ये है इसकी कमीज़, ये चौथा सूट है। और पांचवा सूट जी ये है, और आपके आप ही के हैं, ये कमीज़ है और ये साथ में ट्राउज़र। बस फजर ने खोल भी लिया सारा। चलो खैर अभी इसको यहाँ पे रख देते हैं ना, इसके पाउचे जो है ना वो भी बने हुए नीचे वाले हैं। अभी ट्रैक्टर जो है वो फिर आ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा है और पहले इसी वजह से हम लोग जो है घर छोड़ के चले गए थे। अब कबारी आ जाती है रेडीमेड कपड़ों की, तो फजर के लिए जो मैंने रेडीमेड सूट लिया है जी, एक ये है, ये इसके साथ जो है ट्राउज़र है जीन्स वाला, और ये है जी इसकी शर्ट। हाँ जी ये भी बना हुआ है। अब पहले सारे फजर के ही दिखाते हैं। एक सूट फजर का ये है बिल्ली वाला, और ये इसके साथ जो है ना ट्राउज़र। मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि मेरा, अभी ये भी निकाल दूँ। चलें जी खैर अभी सारी चीज़ों को ना दोबारा से कुंजना पड़ेगा, पंजाबी में बोलते हैं ना। ये मोहम्मद सुबान के परे है। ये जो ट्राउज़र है जीन्स का और ये है इसके साथ शर्ट, ये तारिक साहब ने पसंद की है। अभी इधर साइडों से ना बांधने वाली, जब ये बांध जाती है ना इतनी फूल बन जाते हैं फिर बड़ी प्यारी लगती है। ये फजर के 3 सूट हमने ये वाले लिए बंदे के काम चेक करें, और 5 सूट हमने जो है वो लिए हैं कॉटन में। तो अभी बारी आ जाती है मोहम्मद सुबान के कपड़ों की,
तो मोहम्मद सुबहान के कपड़े जो हैं वो हमने लिए हैं जी रेडीमेड। मोहम्मद सुबहान नहीं करो बच्चे। ये है जी इसका ट्राउज़र काफ़ी बड़ा है और ये है जी इसके साथ शर्ट। पिछली दफ़ा मैंने कपड़े लिए थे मोहम्मद सुबहान के, बहुत ही छोटे थे, अभी वो इतने छोटे हो गए हैं तो इसलिए इसको पहना भी नहीं सकते। इस दफ़ा फिर हमने थोड़े बड़े बड़े लिए हैं ताकि बंदा अगले सीज़न में अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे बच्चों को और वालदैन को भी, तो बंदा पहना सकता है। क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं ये ख़राब होने वाले तो होते नहीं हैं। ये शर्ट है और ये साथ में इसके वो ट्राउज़र, दो सूट हो गए ये तीन। वो दो तारिक साहब ने पसंद किए और ये वाला जो है थोड़ा सा लाइट सा ये मैंने पसंद किया। तारिक साहब बोल रहे थे कि नहीं लेना एक ये और साथ में ये वाली। अभी जी कपड़ों की बारी आ जाती है मेरी, तो ये बच्चों के कपड़े हैं और तारिक साहब के हमने लिए हैं टोटल 5 सूट, तो वो हमने सिलाई करने के लिए दे दिए। वो वॉशिंग वेयर में है और कॉटन में है, खद्दर शद्दर हमने नहीं लिया फिर। तो अभी तो इस साइड पे जी ट्रैक्टर जो है ना वो फिर आ गया मट्टी लेके, उधर से मट्टी जो है ना यहाँ पे आ रही है जो घर की साइडों पे लगा रहे हैं। तो जैसे ये वापस जाएगा रिवर्स तो फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग जो है दोबारा से दिखाऊंगी। मोहम्मद सुबहान सारी चीज़ों को इधर उधर नहीं करना, फिर समेटना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये जी है मेरा सूट, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है लाइट सा कलर है क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट पहनती हूँ। वैसे सर्दियों में डार्क कलर पहनने चाहिए, तो ये सर्दियों में तो नहीं, तो ये अभी चलेगा इंशाल्लाह, सर्दियों में देखेंगे फिर डार्क कलर ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा मैंने उमरा पे जाना है तो मेरे कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए। ये इसका ट्राउज़र है बिल्कुल सिंपल है और ये है जी इसका दुपट्टा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि शिफॉन के दुपट्टों वाले मैं कपड़े बिल्कुल भी ना लूँ, क्योंकि ये जो है एक तो बारीक होते हैं और दूसरे नंबर पर सर पे टिकते नहीं हैं। इसलिए ये जो इसके साथ है ना ये शिफॉन का तो नहीं है लेकिन लिनन का भी नहीं है, कोई और चीज़ ही है। मुझे कपड़ों के नामों का इतना ज़्यादा नहीं पता, मैं जब वहाँ पे जाती हूँ तो चुप करके बैठ जाती हूँ, तो तारिक साहब जो है ना वही कहते हैं। वो कल दो लेडीज़ आई तो वो उन्होंने बोला कि भी फलां फलां कपड़े निकाल दें, तारिक साहब ने मुझे कहा कि देखे वो भी तो आई हैं और जल्दी से उन्होंने बताया और कपड़े लेकर जा रही हैं और आप आई हैं मुँह उठा के बैठी हुई हैं, जब तक मैं ना बोलूँ तो आपने कपड़े वो नहीं करने हैं। तो ये जी कमीज़ है, ये फ्रंट है मेरे ख्याल में ना, ये वाला उल्टा ही पकड़ा हुआ है मैंने, ये ट्रैक्टर ने इधर छोड़ डाला हुआ है ना, मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये कमीज़ है, ये इसकी फ्रंट है और ये साइड पे बाजू और बैक है। ये वाला जो है ये कमीज़ है, ये सिलाई किया हुआ, ये पहले मैंने जो लिया था तो फिर सिलाई करवा लिया था। ये लॉन में है तो इसके साथ जो है शमीज़ ले लिए और साथ में शलवार लिए, ये सिलाई किया हुआ है। एक सूट ये वाला है, ये कुछ इस तरह से है। अभी इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ, शुक्र है कि ट्रैक्टर चला गया वरना आज भी वीडियो में बड़ा ही शोर होना है। यहाँ पे जी तारिक साहब बोलते हैं कि जो भी काम किया करो बस जल्दी में कर दिया करो। ये इसका फ्रंट और ये वाली बैक साइड, जब पहनूँगी फिर पता चल जाएगा ना। ये है जी इसकी सलवार और ये है इसके साथ दुपट्टा। तो ये थोड़ा कलरफुल है इसलिए इसमें से जो है वो सर नज़र नहीं आता, बाल भी नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद। ये जी है खट्टा पीला सूट, रंग बरंगा काफ़ी सारे कलर है इसमें। ये इसका दुपट्टा है, ये भी शिफॉन में ही है और ये है जी कमीज़ और सलवार, ये दोनों ना सेम है यानी कि एक ही कलर है ऐसे ही। ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो फिर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमने ना ये वाले कपड़े देखे हैं, टू पीस जो थे इतने प्यारे थे, जो सेम ही थे यानी कि शलवार और कमीज़। तो मैंने कहा अभी हम लोग भी देखते हैं पहन के, अगर अच्छे लगे तो फिर हम भी ऐसे ही लें, और वो भी सस्ते में, वो सस्ते पड़ रहे थे ये साथ में दूसरे के ना। और ये है जी वो डॉट्स वाला सूट। आ रहे थे कमेंट्स कि आप ही प्लीज़ वो डॉट्स वाला अगर आपने नहीं लेना ना तो मेरे लिए ले ले। तो ये हमने जी ले लिया था क्योंकि तारिक साहब ने ये जाते जो है ना पसंद कर लिया था ये वाला सूट। तो इसके साथ दुपट्टा जो है वो थोड़ा बारीक है, ये इस तरह से है ना, एक साइड पे फूल है और ये है जी इसका कमीज़ ऐसे करके, वो फ्रंट है और ये इस साइड पे इसके बैक और बाजू। ये थी हमारी जी टोटल शॉपिंग। बाकी इंशाल्लाह जी हम लोग अबाया भी लेंगे, बुर्का भी लेंगे,
जो हमारा उम्रे का सामान होगा ना, स्पेशली बच्चों का फजर के स्कार्फ और इस तरह की सारी जो चीज़ें होगी, एहराम जितना भी सामान है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो स्पेशल सामान होगा और उसका स्पेशल हम लोग लेंगे और स्पेशल वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी ये थी हमारी बच्चों की शॉपिंग। ना मैंने बहुत ज़्यादा सर्दियों के कपड़े लिए और ना ही बहुत गर्मियों के लिए, दरमियाने साइज़ में जो होते हैं यानी कि ठंडे मीठे मौसम में वो कपड़े लिए। तो बाकी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारे कपड़े ये, आप सब ने हमें साथ साथ में मशवरे देते रहना है। तो कुछ चीज़ें आस्ता आस्ता मेरे माइंड में भी आती जा रही हैं, बाकी जो है ना कमेंट्स भी आते हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि खसूसी तौर पर जो मैं चाय पीती हूँ, मैं तो अपना चाय का सामान ज़रूर लेकर जाऊँगी, बाकी कुछ मेडिसिन वगैरह है और इस तरह की जितनी भी यानी कि चाय वाली जो होती है वो केटल सी जो होती है बनी हुई वो भी लेकर जाएंगे, चीनी पत्ती साबुन इस तरह की जितनी भी यानी कि इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हम साथ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई रह जाए तो आप साथ साथ में हमें मशवरा देते रहें, तो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें आस्ता आस्ता लेके रख लेंगे, पैक कर लेंगे। तो अभी जी फ़िलहाल इस सारे सामान को हम समेटते हैं और बनाते हैं मिस्त्री भाइयों के लिए चाय। तो मिस्त्री लाग लाग के तो हूँ मेरे माइंड मिस्त्री हम दे अच्छा जी, तो मैंने बोल दिया कि तुम मिस्त्री भाइयों के लिए चाय बनाते, क्योंकि पहले मिस्त्री लगे रहे हैं तो मेरे ज़बान पे वो मिस्त्री वाला अल्फाज है। तो सारे सामान जो है इसको पैक करते हैं और ट्रैक्टर वाले भाई जो उनके लिए बनाते हैं फ्रेश ताज़ा दूध की चाय, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी जी यहाँ पे मशरे से हमारी चाय जो है वो हो चुकी है तैयार, तो डाल के देते हैं भाइयों को, क्योंकि तारिक साहब बोल रहे हैं कि उनकी कॉल आ चुकी है कि आप चाय लेकर आएँ। थोड़ा सा एक उबाल और आ जाए, कच्ची ना रहे ताकि चाय। अभी जी डाल लेते हैं चाय। तो चाय डालते हुए मैंने एक गलती कर दी है कि कप जो है उनको रखना था नीचे और फिर चाय डालनी थी, ताकि हमारी ट्रे जो है ना वो ख़राब ना होती। चलो खैर, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह शाम हो चुकी है और चाय जो है वो भाइयों को भी ला दी है, बर्तन वगैरह धोते हैं और शाम के खाने की तैयारी करते हैं। और इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अभी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।